अब आशा करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। और आज आपके सामने मैं आया हूँ बहुत दिन बाद। हालांकि मैं आ रहा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि कुछ सरप्राइज आपको देने वाला हूँ, आप आगे जानेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं कि कल चंद्रग्रहण हो रहा है, इसी वजह से मैं आपको आज एक हेल्थ अपडेट देना चाहता हूँ। आप जरूर जरूर इसे कल फॉलो कीजिएगा और आगे आने वाले जितने सारे चंद्रग्रहण हैं वहाँ उसमें भी आप फॉलो कीजिए और सन इक्लिप्स में भी आप ये फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों, कल चंद्रग्रहण है तो इसके वजह से बहुत नज़दीक हो जाएगी जो मून है हमारे अर्थ के नज़दीक हो जाएगी, तो इसके वजह से जो जल तत्व तो है यानी समुन्दर में ज्वार आने वाला है, यानी पानी है फूल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अट्रैक्शन रहता है मून की। तो इसके वजह से हमारे शरीर में भी जो पानी है लगभग 70% से भी ज्यादा वो भी डिस्टर्ब होता है, उसमें विकार की जो बढ़ोतरी वो होती है, यानी बीमार बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमें कफ वाली प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी जो शरीर कफ वाली है उसको ज्यादा बीमारी होगा, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन के फील्ड में हो, स्पिरिचुअली फील्ड में हो, तो आपको उस दिन डेफिनेटली फास्टिंग करना चाहिए। फिर भी मेरे जितने भी किडनी पेशेंट हैं, बीपी, थायराइड या डायबिटीज को, सारे पेशेंट को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग कल डेफिनेटली फास्टिंग करें, कोई भी सॉलिड फूड ना खाएं, ठीक है, और पका हुआ चीज़ें ना खाएं और खुद भी कुक करके आपकी फैमिली मेम्बर को ना दें, ठीक है। सूखा हुआ चीज़ें खा सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, इससे बेस्ट रहेगा। फिर भी अगर आपको सर्दी है, फ्रूट्स आप अगर लेना चाहते हैं तो उबाल के या स्टीम करके ले लीजिए। स्टीम करना अच्छा रहेगा, न्यूट्रिएंट्स खराब नहीं होगा। सॉलिड फूड में स्पेशली दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये सारे बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, नहीं तो विकार बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आज देखिए कितने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो आप ये रिस्क क्यों लें, चांस क्यों लें, डायरेक्ट अवॉइड कर दीजिए। और शाम को लगभग कोई बोलता है 2-3 बजे या कोई 4 बजे बोलता है, तो मेरे हिसाब से 3 या 4 बजे से लेके शाम 7-7:30 बजे तक उस टाइम कुछ भी ना खाएं, ठीक है। हो सके तो थोड़ा बहुत गुनगुना पानी पिएं, ज़्यादा नहीं पिएं, और इस टाइम को अवॉइड कीजिए क्योंकि वाइब्रेशन रहता है और शरीर के जो 5 एलिमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में ये जो 5 उंगली है, 5 फिंगर्स है, वो रिप्रेजेंट करते हैं 5 एलिमेंट्स को। ये हो गया फायर, ये हो गया एयर, फायर एयर फायर एयर, ये लास्ट में हो गया वाटर, ठीक है, वाटर, ये वाटर, फायर एयर वाटर, ये हो गया आपका जो बड़ी उंगली वो हो गया स्पेस, ये हो गया आपका अर्थ, ठीक है। अभी समझ में आ गया, ये फायर, ये वाटर, फायर एयर वाटर स्पेस एंड अर्थ, ये 5 चीजें याद रखने के सबसे अच्छा टेक्निक ये है कि फायर है, फायर का अपोजिट कौन है, वाटर है, ठीक है, फायर वाटर, फायर वाटर, और ये एयर है, ठीक है, फायर एयर, फायर एयर, एयर है, और ऊपर का बड़ा जो है सबसे ऊपर है यानी वो स्पेस है, और ये है आपकी अर्थ, ठीक है, जिस जिस उंगली पे हम रिंग पहनते हैं, रिंग फिंगर, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये भी डिस्टर्ब होते हैं, और जितने भी सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं, मैथमेटिशियन हैं या हाथ देखने की कला में माहिर हैं, वो देख के भी बता देते हैं वात सॉरी कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। और शाम को कुछ भी ना खाएं और दिन में मेडिटेशन आप कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। और बस किडनी पेशेंट थोड़ा सा इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी बहुत ज़्यादा वीडियो आ रहे हैं आप सबके लिए, कुछ नया नया इंटरव्यू वगैरह आ रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की इंटरव्यू है, पेशेंट की जो है टेस्टिमोनियल्स है, वो कैसे ग्राफ टब यूज करके सब कुछ कर रहे हैं, वो सारे आपको मिलेंगे। बस हमारे चैनल में ऐसे ही जुड़े रहिए, आपका प्यार बहुत चाहिए इस चैनल को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, ओम साई।